उमरिया में रात भर हुई भीषण बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। चंदिया से खितौली मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। पुल के ऊपर से 8 फुट पानी बह रहा है तो दूसरी तरफ जिला मुख्यालय स्थित नेगमा टोला पुल के ऊपर भी पानी पहुंच गया है। जिले के ग्राम महुरी निवासी जुरू सिंह राठौर की भैंस आकाशीय बिजली गिरने से मर गई है तो वहीं अनुज खट्टिक ग्राम करकेली की 13 बकरियां भी आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई हैं। हालांकि मवेशियों की मौत के अलावा कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। टाइम इट मध्य प्रदेश के लिए उमरिया से सुरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। उमरिया में रात भर हुई भीषण बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। चंदिया से खितौली मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। पुल के ऊपर से 8 फुट पानी बह रहा है तो दूसरी तरफ जिला मुख्यालय स्थित नेगमा टोला पुल के ऊपर भी पानी पहुंच गया है। जिले के ग्राम महुरी निवासी जुरू सिंह राठौर की भैंस आकाशीय बिजली गिरने से मर गई है तो वहीं अनुज खट्टिक ग्राम करकेली की 13 बकरियां भी आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई है। हालांकि मवेशियों की मौत के अलावा कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। टाइम इट मध्य प्रदेश के लिए उमरिया से सुरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। उमरिया में रात भर हुई भीषण बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। चंदिया से खितौली मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। पुल के ऊपर से 8 फुट पानी बह रहा है तो दूसरी तरफ जिला मुख्यालय स्थित नेगमा टोला पुल के ऊपर भी पानी पहुंच गया है। जिले के ग्राम महुरी निवासी जुरू सिंह राठौर की भैंस आकाशीय बिजली गिरने से मर गई है तो वहीं अनुज खट्टिक ग्राम करकेली की 13 बकरियां भी आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई है। हालांकि मवेशियों की मौत के अलावा कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। टाइम इट मध्य प्रदेश के लिए उमरिया से सुरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट।